वेलकम टू डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक रहेगा अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शंस, चैप्टर नंबर 6 अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शंस। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शन से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें जाननी होती है। जैसे हमने काउंटिंग पढ़ी है 0, 1, 2, 3, 4। अब जहां तक अपन कर सकते हैं इस काउंटिंग को आगे बढ़ा सकते हैं ना। ये जो नंबर है 0 से स्टार्ट होते हैं और जहां तक ये चलते हैं, इन नंबर्स को कहा जाता है होल नंबर। क्या कहा जाता है? होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या हो गया? पूर्ण संख्याएं। होल नंबर मतलब है पूर्ण संख्याएं। अब जो ये होल नंबर होते हैं, इनके अगर अपन पार्ट कर देते हैं, पार्ट मतलब है भाग कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन बन जाएंगे। फ्रैक्शन मतलब जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? भिन्न संख्याएं। फ्रैक्शंस मतलब है भिन्न संख्याएं। अब फ्रैक्शंस यानी भिन्न संख्याएं क्या होती हैं? फ्रैक्शंस आर पार्ट ऑफ होल नंबर। वो होल नंबर का क्या होती है? पार्ट होती है। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में मान लो मेरे पास एक पिज्जा था। एक क्या था? पिज्जा। अब इस पिज्जा के मेरे को 6 पार्ट करने, मतलब 6 कैंडिडेट में डिवाइड करना है। मैं इसे कितने पार्ट कर दूंगा? 6 पार्ट कर दूंगा। अब देखो कितने पार्ट हो गए, 1, 2, 3, ये 4, ये 5 और 6। मैंने इसकी क्या पार्ट कर दिए? 6 पार्ट कर दिए ना। एक पिज्जा था और मैंने उसके कितने पार्ट कर दिए? टोटल कितने पार्ट हो गए? 6। तो मतलब एक कैंडिडेट को, एक पर्सन को कितना मिलेगा? 1/6 पार्ट मिलेगा। कितना मिलेगा? 1/6। मतलब आपको फ्रैक्शन नंबर बनाने का तरीका सिंपल सा होना चाहिए। आपके पास टोटल थे कितने और आपने उसको डिवाइड कर दिए कितने बना दिए, डिवाइड करके कितने बना दिए। ठीक है, ये था बेसिक्स। अब देखो इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक चीजें आती हैं। जैसे मान लो एक पिज्जा था, इसको 2 कैंडिडेट में डिवाइड करना है। मैं क्या करूंगा? पिज्जा कितना था? 1। कितने में डिवाइड किया? 2 में। एक को कितना मिलेगा? 1/2। इसको बोलते हैं हाफ। क्या बोलोगे? हाफ। अब अगर मेरे को 3 चीजों को 2 लोगों में देना है, 3 चीजों को 2 लोगों में देना है, तो उसको क्या बोलते हैं? 2/3। इसको क्या बोलोगे? 2/3। मतलब जो संख्या ऊपर है वो सीधी की सीधी 1, 2, 3, 4 और नीचे वाले के 3rd, 2nd या फिर 4th। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1/3, इसको क्या लिखोगे? 1/3। 1/3, 1/3 का मतलब क्या हो गया? कोई एक चीज थी, मेरे कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी? 3 लोगों में। 1, 2 और 3 पार्ट कर दिए इसके। अब जैसे मैं कहूँ 1/4, मतलब ये कितना हो गया? 1/4। ये क्या हो गया? 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो गया? एक चीज को कितने लोगों में डिवाइड करना है? 4 लोगों में डिवाइड करना है। इस हिसाब से आपके बेसिक से क्या होते हैं? फ्रैक्शंस होते हैं, जो होल नंबर के पार्ट होते हैं। होल नंबर को अगर आप डिवाइड कर देते हो, टुकड़ों में बांट देते हो, तो आपके क्या बन जाएंगे? फ्रैक्शंस बन जाते हैं। अब जो ये फ्रैक्शंस बने, अब बात करते हैं फ्रैक्शंस के टाइप की। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, अगली चीज देखो, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। अब टाइप मतलब क्या होता है? टाइप मतलब होता है प्रकार। टाइप मतलब क्या होता है? प्रकार। अब आप क्या लिखोगे? टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, यानी भिन्न संख्याएं कितने प्रकार की होती है। जब भी आप कोई फ्रैक्शनल नंबर लिखोगे, फ्रैक्शनल नंबर लिखने से मतलब किसी होल नंबर को डिवाइड करो। जैसे मैंने लिख दिया 1/2, उसको आप हाफ बोलते हो, हाफ पार्ट जिसको बोलते हो, ये हो गया 1/2। अब जिसमें ये ऊपर वाली संख्या है, इसको कहते हैं न्यूमरेटर। ऊपर वाली को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। मतलब जिसको हिंदी में कहोगे अंश। और नीचे वाले को क्या कहा जाता है? डिनोमिनेटर। क्या कहोगे? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? एक फ्रैक्शन नंबर दो नंबर से मिलकर बनता है। उसमें एक तो न्यूमरेटर होता है और एक क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। अब देखो इसका पहला पार्ट, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? उचित भिन्न। हिंदी में क्या कहोगे जिसको? उचित भिन्न। अब प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न से मतलब क्या होगा? एक ऐसा फ्रैक्शन नंबर जिसके अंदर आपका न्यूमरेटर तो क्या हो? बड़ा, और डिनोमिनेटर क्या हो? छोटा। न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा। जैसे न्यूमरेटर बड़ा करना है मैं लिखूंगा 4, और डिनोमिनेटर छोटा करना है तो 4/3। तो इसमें न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है, डिनोमिनेटर क्या हो गया? छोटा। ऐसे फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। दूसरे होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा, मतलब जो आपका न्यूमिरेटर था वो तो क्या हो जाएगा, छोटा, और जो डिनोमिनेटर था वो क्या हो जाएगा, बड़ा। न्यूमिरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। जैसे मैं लिखूंगा थ्री अपॉन में ए, न्यूमिरेटर तो छोटा हो गया और डिनोमिनेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया। ऐसे फ्रैक्शन जिनमें न्यूमिरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो क्या कहलाते हैं, आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। फिर तीसरा पार्ट आता है इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, मिश्रित द्विम, मिश्रित द्विम। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें होल नंबर और फ्रैक्शन नंबर दोनों आते हैं। होल नंबर जिसमें कोई भी होल नंबर दे दिया, होल नंबर क्या थे, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या थे, होल नंबर थे, उनमें से कोई भी एक दो जिसे मैंने ले लिया थ्री, और एक कोई फ्रैक्शन नंबर अपने अपना पसंद का ले लो जिसे मैंने ले लिया थ्री अपॉन में, ये क्या बन गया एक मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर और एक फ्रैक्शन नंबर दोनों आते हैं। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 3 + 3/8, ये जो होल नंबर और ये जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं दोनों ऐड में होते हैं, इसमें होते हैं ऐड में होते हैं। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, मान लो आपको कह दें कि इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, इसमें कन्वर्ट करो एक सिंपल फ्रैक्शन बना के बनाओ, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा, उसमें न्यूमरेटर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बताओ 8 कितना हो गया, 24, उसमें 3 ऐड करना है तो 24 और 3 कितने हो गए, 27, और जो डिनोमिनेटर है वो वैसा का वैसा रहेगा, डिनोमिनेटर कितना था 8, ये जा गया 1 का 1। इस हिसाब से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या कर सकते हो, सॉल्व। तो तीन फ्रैक्शन आ गए आपके पास, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखो, अब बात करते हैं आपके फ्रैक्शन नंबर का नंबर लाइन के ऊपर, क्योंकि फ्रैक्शन नंबर को नंबर लाइन पे आप कैसे दिखा सकते हो। और सबसे पहले बात करेंगे नंबर लाइन होती क्या है, उसको दिखाना तो जरूर है लेकिन होती क्या है वो तो सुना होना चाहिए ना। अब अपन बात करेंगे इसकी नंबर लाइन की। नंबर लाइन मतलब है संख्या। अब नंबर लाइन या संख्या रेखा का मतलब क्या होगा, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन जिसके सारे होल नंबर होते हैं, 0 से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे जहां तक आप बढ़ा सकते हो वहां तक इसको आप लिख सकते हो, ये क्या कहलाती है आपकी एक नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन के ऊपर आपको फ्रैक्शन नंबर को डिनोट करना है। फ्रैक्शन नंबर बोले तो चाहे वो प्रॉपर हो, चाहे वो क्या हो, इम्प्रॉपर हो, और चाहे वो क्या हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, तीनों में से कौन सा ही हो आपको इनको नंबर लाइन पे डिनोट करना आना चाहिए। तो जैसे मैं बात करूंगा 3/8 की, किसकी बात करूंगा, 3/8, तो 3/8 की बात करनी है तो जब भी आप प्रॉपर या इम्प्रॉपर में से किसी को नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करते हो, तो प्रॉपर या इम्प्रॉपर को अगर नंबर लाइन पे डिनोट करते हो तो आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल सी चीज करनी है, जो आपका डिनोमिनेटर है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो सबका डिनोमिनेटर बढ़ा। जैसे पहले मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ 3/8, जिसका डिनोमिनेटर कितना है 8 है, तो सबका डिनोमिनेटर कितना बढ़ा दो, 8 बढ़ा दो। 0 का भी 8, 1 का भी 8, 2 का भी 8, 3 का भी 8, 4 का 8, 5 का भी डिनोमिनेटर 8 और 6 का भी डिनोमिनेटर 8। अब आपको डिनोट क्या करना है, 3/8। अब इसमें देखो 3/8 कहाँ रहा है, यहाँ रहा है, मतलब ये आपका क्या हो गया, नंबर लाइन पे इसका डिनोमिनेटर हो गया। अब मान लो 2/3 को करना है, सबका डिनोमिनेटर कितना बना दोगे, 3 बना दोगे, सबका क्या बना दो, 3। अब देखो, अब आपका नंबर कहाँ आ रहा है, वो ढूंढो, आपका नंबर क्या था 2/3, अब देखो इसमें 2/3 कहाँ आ रहा है, ये क्या हो गया आपका डिनोमिनेटर हो गया। अब अगर नंबर लाइन के ऊपर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को डिनोट करना हो, किसको करना हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित द्विम को करना हो, ये क्या है, 1/1/4 है, मैंने बताया था कि इसको आप किस में लिखोगे, ऐड में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबर लाइन बनाते हैं, दूसरी बना देते हैं 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, हो गई बात। अब देखो आपका पहला नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, पहले तो होल नंबर की होल नंबर कौन है, आप जाके खड़े हो जाओ कहाँ पे, 1 पे पहुंच गए। अब आगे देखो कितना है, 1/4, मतलब कितने पार्ट कर रखे हैं, 1 के कितने पार्ट कर रखे हैं, 4 कर रखे हैं ना, आगे वाले के 4 इक्वल पार्ट कर दो, 1, 2। अब देखो पार्ट कौन से होंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, आपको लाइन काउंट नहीं करनी, आपको ये पार्ट काउंट करेंगे, 4 पार्ट हो गए। आपको कौन सा चाहिए, 1/4, मतलब पहला पार्ट चाहिए, पहला पार्ट ना खत्म होता है तो यहाँ क्या आ गया, 1/4। जैसे आपको कहते 2 और 3/8 डिनोट करो, 2, 3/8, तो होल नंबर पे जाओ, होल नंबर क्या है 2,
लाख रुपए जाके खड़े हो गए। ओके अब आगे वाला फ्रैक्शन क्या है, 3 बाय 8 मतलब आपको टोटल कितने पार्ट करने हैं, ऐड करने हैं, यहां 8 पार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 बजे बीच में मतलब 8 हो गए पार्ट। आपको कितने नंबर पार्ट चाहिए, 3 नंबर, इसमें 3 नंबर देखो, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, यहां पे क्या हो गया 2 3 बाय 8। इस हिसाब से आप अपने मिक्स्ड फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। ठीक है सर, अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए इसका डेसिमल का, डेसिमल क्या होते हैं वो देखो, नंबर लाइन की बात होगी, फ्रैक्शन नंबर हो गए, प्रॉपर इंप्रॉपर फ्रैक्शन हो गए, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गए, और उनको नंबर लाइन पे डिनोट कैसे करोगे वो बात। अब बात आती है डेसिमल, डेसिमल यानी जिसमें हिंदी में क्या बोलते हैं दशमलव। अब डेसिमल या दशमलव का क्या मतलब है, डेसिमल या दशमलव आपके प्रॉपर इम्प्रॉपर या मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक सिंपल फॉर्म है। क्या है सिंपल फॉर्म, जैसे एक को आप ये लिखोगे 2/5 फ्रैक्शन नंबर है, और इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 2 पे 5 का डिवाइड करो, जैसे 23 अपॉन 5 है, अब 23 पे 5 का डिवाइड करो, 5 फॉर द 20 3 रिमेनर रह गए, आगे कुछ नहीं, मैं डेसिमल लगाऊंगा ये कितना होगा 30, 5 6 आपका क्या आ गया 4/6। तो डेसिमल आपके फ्रैक्शन नंबर का एक क्या होता है सिंपल फॉर्म होता है, एक क्या होता है सिंपल फॉर्म। और इसको लिखते कैसे हैं, इसका राइटिंग का मेथड लिखना है, इसको क्या लिखोगे 4 और ये होता है पॉइंट 4 पॉइंट और आगे क्या है 6, ये हो गया 6। डेसिमल में हमेशा याद रखना पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट लिखते, जैसे आपके पास आ गया 3.425, इसको आप ये नहीं लिखोगे 425, आप इसको क्या लिखोगे 3 point, फिर आगे क्या है 4, फिर आगे है 2, आगे क्या है आप 5, 4, 2, 5। इस हिसाब से आप अपने डेसिमल के आगे वाले डिजिट को 1 by 1 एक एक करके क्या करोगे रिप्रेजेंट करोगे। अब बात आता है कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब होता है रूपांतरण, चीजों को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना। आपको कहते हैं कि आपके पास ये डेसिमल नंबर है, इसको आप किस में बदल के बताओ, फ्रैक्शन नंबर में बदल के बताओ। फ्रैक्शन नंबर में बदलने के लिए क्या किया जाएगा, तो आपके पास जो भी डेसिमल है, जो भी डेसिमल है उसके अपॉन में जहां डेसिमल है उसके नीचे 1 लिखो, मैंने डेसिमल हटा दिया उसके नीचे लिख दिया 1। अब डेसिमल के आगे जितने डिजिट थे उतने लगा दो 0, 3 डिजिट थे उतने 0 लगा दूंगा, 3 लगा दूंगा, बस ये आया था आपका 4.6। मैं क्या करूंगा, डेसिमल हटाया डेसिमल के नीचे 1, आगे जितने डिजिट होगा 0 लगा दो। मान लो ये था 4.23, तो क्या करोगे डेसिमल हटाओ डेसिमल के नीचे 1, आगे जितने डिजिट है उतने क्या लगा दो, ये हो गया 423 अपॉन में 100। तो इस हिसाब से आप अपने डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको अब सिंपल सी चीज पूछ सकता है, अगर आपको कहे डेसिमल को कोई भी डेसिमल नंबर था आपको फ्रैक्शन में बदलो, क्या करो डेसिमल के नीचे 1, आगे जितने डिजिट है उतने 0। और आपको कहे फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करो, आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा डिवाइड करना है। सिंपल सा क्या करना है, डिवाइड करना है। एक आसान तरीका और बता देता हूँ आपको, कि आपके पास मान लो कोई डेसिमल नंबर है, सॉरी फ्रैक्शन नंबर, जैसे फ्रैक्शन नंबर कुछ भी हो सकता है, ये था 5/2। अब इसको कहते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करो, एक तो हमारे पास तरीका हो गया डिवाइड का, लेकिन कई बार ये थोड़ा लंबा हो जाता है, शॉर्टकट क्या होगा, आपका जो डिनोमिनेटर है, आपका जो डिनोमिनेटर है उसको या तो 10 में कन्वर्ट करो, या 100 में कन्वर्ट करो, या 1000 में कन्वर्ट करो। अब बताओ 2 के सबसे क्लोज कौन है, 10, 100 या 1000, 10 है, इसको मेरे को 10 में बदलना है, तो 10 में बदलने के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इसको, 2 5 10 रखते हैं, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, जितने को आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने ही नंबर से आपको न्यूमरेटर को भी करना है। अब ये कितने हो गए 5 5 25, तो 5 2 10, 5 2 10 अपॉन में 10 आ गया ना। अब देखो आपके डिनोमिनेटर में जितने जीरो उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, राइट हैंड साइड से उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूंगा 2.5। मान लो ये होगा 63/25, ठीक है। अब आपको डिनोमिनेटर में लाना है 100, 1000 या 10, तो 10 तो पीछे रह गया, अब 10 के बाद क्लोज कौन है 100, अब 100 में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे 4 से, कर दिया। अब ये हो गया 25, 4 का 100 हो गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा
250। अब इसमें कितने जीरो है, दो जीरो है, तो राइट हैंड साइड से दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, वन और टू, मतलब मैं ये लिखूंगा 2.85। इस हिसाब से आप अपने डेसिमल को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। थैंक यू।